हम भारतीय हैं और हमारे भारत में मौसम कितना अनुकूल रहता है ये तो हम सभी जानते हैं। हमारे यहाँ ना तो अधिक ठंड पड़ती है और ना ही अधिक गर्मी होती है, जो भी टेम्परेचर है वो बेहद ही सुटेबल है। वही मान लीजिए अगर भारत में अफ्रीका जैसे गर्मी पड़ती तो क्या होता, और यदि रूस कनाडा जैसे ठंड पड़ती तो क्या होता। यह वीडियो है दुनिया के दो ऐसी जगहों के बारे में जहाँ पर रहना यानी मौत को चुनौती देने के बराबर है। इसमें एक जगह है दुनिया की सबसे गर्म जगह डेथ वैली, जहाँ पर इतनी भयानक गर्मी पड़ती है कि यहाँ सुबह 10 बजे के बाद बाहर निकलना अलाउ नहीं है। और दूसरा है दुनिया का सबसे ठंडे जगह याकुत्स्क, जहाँ खून को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। ठंड इतना कि इस महीनों गाड़ियों का इंजन हमेशा चालू करके रखना पड़ता है, वरना गाड़ियाँ साल भर के लिए डेथ कर जाएगी और फिर अगले साल ही चल पाएगी। आइए दोनों जगहों के बारे में एक एक करके जानते हैं। दुनिया का सबसे गर्म जगह डेथ वैली, दोस्तों यह जगह अमेरिका में है, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में नेवादा राज्यों से सटे हैं। डेथ वैली दुनिया के सबसे गर्म जगहों में से एक है, जहां सबसे अधिक तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह जगह कितना खतरनाक हो सकता है। डेथ वैली यानी कि मौत की घाटी, यह ऐसा जगह है जो कि कितने इंसानों को और कितने जीव जंतुओं को मौत के घाट उतार चुके हैं। दरअसल बात ऐसी है कि 19वीं शताब्दी में सोने चांदी की खदानों की खोज काफी की जाती थी। इस खोज के कारण जब लोग इस घाटी से होकर गुजरते थे तो गर्मी इतनी पड़ती थी कि गर्मी के कारण उन लोगों की मौत हो जाती थी। यही कारण है कि इसे डेथ वैली यानी मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है। सन 1870 में जब इस तपती घाटी का अध्ययन किया गया तो इसमें हजारों जानवरों और इंसानों की हड्डियों के ढांचे मिले। सन 1933 में इस वैली को अमेरिका का नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया गया। डेथ वैली समुद्र तल से 86 मीटर यानी 282 फीट नीचे है, फिर भी यहाँ कहीं भी दूर दूर तक पानी के नामो निशान नहीं है। यह पूरा क्षेत्र एक सूखा और सबसे गर्म रेगिस्तान है, जहाँ वर्षा बस नाम मात्र के लिए ही होती है। यह साल में औसत वर्षा केवल 5 सेमी के लगभग ही होती है। इस वैली में कहीं कहीं पर वर्षा होती भी है तो वह बहुत ही खड़ा होता है और गर्मी के कारण उबलता रहता है। इस वैली का टोटल लंबाई 225 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 24 किलोमीटर के बीच होती है। आपने देखा होगा जहाँ पर बिजली होती है वहाँ पर डेंजर का बोर्ड लगा रहता है, वैसे ही बोर्ड यहाँ भी लगा है। यहाँ के कई हिस्से में बोर्ड लगे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि सुबह 10 बजे के बाद कृपया बाहर न जाए। यही कारण है कि यहाँ के लोग अधिकतर समय घर से बाहर नहीं निकलते हैं। यहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है कि घर से बाहर निकलने पर बाल सख्त हो जाते हैं और शरीर से पसीना निकलने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाते हैं। डेथ वैली से जुड़े आश्चर्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ पर भारी भरकम पत्थर भी अपने आप ही खिसकते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। खिसकने वाले इन पत्थरों की वजन 100 केजी या इससे अधिक भी होता है। डेथ वैली में एक जगह है रेस्ट ट्रैक पलाया, जहाँ पर पत्थर अपने आप खिसकते रहते हैं। रेस्ट ट्रैक पलाया पहले कभी झील हुआ करती थी, अब यह झील सूख चुकी है और पूरा इलाका समतल जमीन हो चुका है जो पत्थरों को खिसकने के लिए उपयुक्त है। पत्थर यहाँ पर कैसे खिसकते हैं यह आज तक किसी ने नहीं देखा है, लेकिन खिसकने से जो पीछे निशान बनता है उससे साफ साफ पता चलता है। अब यह भारी भरकम पत्थर कैसे खिसकता है यह आज तक रहस्य है। किसी का मानना है कि यह तेज हवाओं के चलने के कारण होता है तो कई मैग्नेटिक फील्ड को इसके लिए जिम्मेदार करार देते हैं, लेकिन साइंटिस्टों द्वारा इन सभी थ्योरी को खारिज कर दिया गया है। नासा के एक साइंटिस्ट रॉफ रॉलिंस का कहना है कि इस झील में जब कुछ वर्षा होती है तो वह ठंड में जम जाती है और पत्थर के नीचे चिपक जाता है, फिर जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्थर के नीचे चिपका हुआ बर्फ पिघल जाता है जिससे जमीन पर कुछ पानी जमा हो जाता है और जब हवा चलती है तो दबाव पड़ने पर पत्थर आगे खिसकने लगता है। दुनिया की सबसे ठंडे जगह याकुत्स्क, गाइस उसे तो दुनिया की सबसे ठंडे जगह अंटार्कटिका है। अब अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है इसलिए इसे काउंट नहीं किया जाता है। इसे छोड़कर पृथ्वी की सबसे ठंडे जगह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पड़ने वाले शहर याकुत्स्क सिटी है, जहाँ पर साल के 9 महीने ठंडी पड़ती है और बस 3 महीने ही गर्मी रहती है। याकुत्स्क रूस के पूर्वी भाग में लेना नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। यहाँ का औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होती है। अब आप सोचिए जहाँ अपने यहाँ जब ठंड के मौसम में तापमान
6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है तो कहते हैं कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अब वहां तो 0 नहीं -10 डिग्री नहीं बल्कि -50 डिग्री सेल्सियस तापमान होती है। तो भला कैसे इस शहर के लोग रहते होंगे? यकुत्स्क दुनिया की सबसे ठंडी जगह है जहाँ खून को जमा देने वाली ठंडी पड़ती है और किला को हथौड़ा बना देने वाली ठंडी होती है। यहाँ के निवासियों को ठंड से बचने के लिए 1-2 नहीं बल्कि पत्ता गोभी की तरह परत दर परत कपड़े पहनने पड़ते हैं। जिस शहर का मौसम इस कदर हो भला कोई वहाँ क्या ही उगाएगा और क्या ही खाएगा। यहाँ हर तरफ इतनी बर्फ जमी रहती है कि कोई खेती करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। खाने पीने के लिए मुश्किल से ही कोई सामान मिल पाता है। अधिक ठंड होने से खाने पीने की सामग्री की कमी के कारण यहाँ के लोगों का सबसे प्रमुख खाना मछली है। यहाँ पर मार्केट में मछलियों के लिए फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर मछली फ्रिज से ज्यादा बाहर में ही सुरक्षित रहता है। मछलियों के अलावा यहाँ के लोग ठंड से बचने के लिए और खुद को गर्म रखने के लिए बारहसिंगा का भी मीट खाते हैं, क्योंकि बारहसिंगा का मांस गर्म होता है। यकुत्स्क में गाड़ी चलाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर इतनी ठंडी में गाड़ी का इंजन भी ठंडा हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। ऐसे में जो लोग अमीर होते हैं वे अपने गैराज में हीटर लगाकर गाड़ी को पार्क करते हैं ताकि गाड़ी गर्म रहे। वही जो आम लोग होते हैं वो घंटों तक गाड़ी को खुला ही छोड़ देते हैं ताकि गाड़ी का इंजन सीज न हो, गाड़ी ठंडा न पड़े और गाड़ी गर्म रहे। यह शहर दुनिया का एक ऐसा शहर है जहाँ के लोगों को बेसब्री से गर्मी का मौसम का इंतजार रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल में 2-3 महीना ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। बर्फ पिघलती है, रास्ते खुलते हैं और लोग बाहर निकल पाते हैं। सो गाइस, दिस वाज द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। आपको क्या कहना है इन दोनों जगहों के बारे में? अपना राय विचार कमेंट में जरूर डालें। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।